तो देखो जो मछली के सेवन से आपको क्या क्या रोग आप अपने अंदर डालना है, प्रोटीन विटामिन तो मिलना है, बस उसके अलावा कौन कौन से रोग अपने अंदर डालने हैं उनके बारे में भी जान लो, क्योंकि हो सकता है आपके अंदर जो बीमारी हो वो कम हो रही हो, पर उसके अलावा आप कोई नई बीमारी भी पाल रहे हो। तो हम आपको बताते हैं कौन सी आप नई बीमारियां पालने जा रहे हैं। जो पानी के अंदर पीसीबी और मरकरी नाम के तत्व होते हैं, मछली पानी में रहती है तो जब वो ये मरकरी और पीसीबी तत्व है ये मछली के पेट में चले जाते हैं, और ये तत्व जब इंसान मछली को खाता है, जब आपने मछली का सेवन किया और इंडायरेक्टली उसके पेट में मरकरी और पीसीबी है, तो आपने मछली का सेवन किया और इनडायरेक्टली वो तत्व आपके अंदर पहुंच गए। और बहुत से लोग क्या होते हैं हर दूसरे दिन मछली खाते हैं, तो क्या होता है उनके शरीर में पीसीबी और मरकरी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। जब पीसीबी और मरकरी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है जो तंत्रिका तंत्र है मस्तिष्क का, तो बहुत बड़ा साइड इफेक्ट पड़ता है, और इससे कौन कौन सी बीमारी हो जाती है चलिए अब हम उनकी बात करते हैं। देखो कैंसर कब होता है, जब इंसान के अंदर पीसीबी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, जब इंसान के अंदर पीसीबी की मात्रा अधिक हो गई तो उसको कैंसर हो गया। ठीक है, हमको लगता है कि मात्र जो है गुटखा हो गया तंबाकू हो गया इन सब का सेवन करने से ही कैंसर होता है, पर ये बात ठीक नहीं है। बहुत से लोग ऐसे जो गुटखा वुटका नहीं खाते हैं और मछली नहीं खाते हैं उनको कैंसर हो जाता है। देखो मछली भी एक कैंसर का बहुत बड़ा कारण है, ये बात आपको अटपटी लगेगी शायद आपको अभी तक किसी ने ना बताई हो। तो कैंसर के बाद दूसरी चीज नंबर आता है लोगों के ना आमतौर पर डायबिटीज बढ़ जाती है। तो डायबिटीज का मतलब यही नहीं कि आप ज्यादा चीनी खा रहे हो शक्कर खा रहे हो मीठी चीजें खा रहे हो तभी आपको डायबिटीज होगी, अगर आप मछली ज्यादा खा रहे हो ना तब भी आपको डायबिटीज हो जाएगी, ये बात अटपटी लगेगी पर हाँ हकीकत है, ये बात हकीकत है, अगर आप ज्यादा मछली खा रहे हो ना तो आपको डायबिटीज हो जाएगी कोई नहीं रोक सकता। तो मछली में जो विषाक्त पदार्थ होते हैं वो सीधा डायबिटीज को न्योता देते हैं, आपकी डायबिटीज बढ़ जाएगी इससे। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो मछली का सेवन कर रही है वो भी बहुत ज्यादा, मतलब जो बच्चे उस पर काफी बुरा असर पड़ सकता है, ये बात आपको बहुत ज्यादा अटपटी लगे पर हाँ ये हकीकत है, आप जाके गूगल पे चेक करिए आपको मिल जाएगा। वहां पे मछली की जो तासीर होती है वो गर्म होती है और बच्चे पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इसका, तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी बहुत ज्यादा मछली खाए तो उसे अभी से सतर्क हो जाना चाहिए।